इनका एक विचार है एक सोच विचार है दिखाने के लिए इसके लिए कोई सबूत नहीं देते वो कि स्टेम सेल था, पलाना था, कहते होगा ये आप मानो क्योंकि हम बता रहे हैं। तो ये तो उनका पुराना एक विश्वास है और वो जनता के ऊपर थोपना चाह रही है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक बीते कुछ दिनों से एनसीआर विवादों के केंद्र में है पहले इस पर आरोप लगा कि ये शिक्षा के सांप्रदायिकरण के तहत आ, इतिहास के सिलेबस से कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हटा रही है जैसे मुगलों का इतिहास और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब खबरों की माने तो विज्ञान के सिलेबस में भी बदलाव किए गए हैं जिसके तहत चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत रिप्रोडक्शन ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे आखिर इन बदलावों को कैसे देखें और क्या है इन बदलावों का महत्व इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज है हमारे साथ साइंटिस्ट डी रघुनंदन रघु सर न्यूज क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया अगर मैं आपसे पहला ही सवाल बहुत स्पष्ट सा पूछूं कि क्योंकि ये कार्यक्रम जो है कई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो अगर आप उनको बता पाए कि ये चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत क्या है और ये नौवीं या दसवीं के बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए क्यों ये जरूरी है डार्विन की जो थियोरी है पहली बार आ, विज्ञान के ज़रिए हमें मालूम पड़ा कि जीव जंतु हमारे पृथ्वी में उभर के कैसे आते हैं उनमें बदलाव कैसे आता है आ, उसका कारण क्या है और कई जो प्रजातियां हैं उनकी तब्दीली होती है कुछ प्रजातियां इस दुनिया में सक्षम होते हैं रह जाते हैं तरक्की करते हैं और कुछ प्रजातियां ख़त्म हो जाती हैं तो ये क्यों होता है और कैसे होता है तो डार्विन ने ये समझाया कि हर प्रजाति अपने पर्यावरण को देख के अपनी ज़रूरत क्या है उसको देख के कुछ न कुछ तब्दीलियां उसमें होती हैं उनके बच्चे उनके वंश वो धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं जब एक संख्या में वंश का बदलाव काफ़ी हो जाता है तो उस प्रजाति में ही एक तब्दीली आ जाती है और वो फिर बदलाव की तरफ बढ़ता है सिंपल उदाहरण में माना जाता है कि सांप जो हैं वो कई प्रकार के चिपकली लिजर्ड रेप्टाइल इस प्रकार के जीव जंतु में से हैं पर इनके पैर नहीं हैं तो ये क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ तो डार्विन की थियोरी इनको समझाता है कि ये कैसे होते हैं और क्या होते हैं और डार्विन के तकरीबन 20-25 साल के बाद जेनेटिक थोरी जीन्स के ज़रिए कैसे ये बदलाव एक म्यूटेशन उत्परिवर्तन जिसे कहते हैं उसके ज़रिए कैसे बदलाव आता है पर ये इसकी पूरी शुरुआत डार्विन के थियोरी से ही आ, होती है डार्विन से पहले ये माना जाता था कि जितने जीव जंतु हैं दुनिया में वो पहले से ही ऐसे थे वो पैदा ही ऐसे हुए थे मगरमच्छ था मगरमच्छ सांप था सांप शेर था शेर पर डार्विन ने कहा कि ऐसा नहीं है ये धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन के ज़रिए बदलाव के ज़रिए ये ऐसे बने क्योंकि ये प्रकृति प्रकृति की एक आ, का एक तरीका है और ये वैज्ञानिक तौर पे समझने से ही ये बात समझ में आई तो अगर हमने इवोल्यूशन थियोरी को नहीं समझा तो हम प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे हमारे आसपास के जीव जंतु उनको समझ नहीं पाएंगे और हम इनकी ना रक्षा कर पाएंगे ना हम हमारे पृथ्वी की रक्षा कर पाएंगे तो इवोल्यूशन का समझना बहुत ज़रूरी है और इससे अब आप कोरोना के वायरस को देखें पहले थे हम डेली अखबार में पढ़ते थे कि आज ये फलाना वायरस है कल कोई ये वायरस बदल गया इसमें वैक्सीन करेगा या नहीं करेगा ये बदलना क्या है ये बदलना इवोल्यूशन है क्योंकि वो वायरस जो है वो देखता है कि देखो ये वैक्सीन आ गया या वो देखता है कि इतने लोग पचहत्तर प्रतिशत लोगों को ये वायरस हो चुका है तो अब हमारे पास जो शक्ति थी वायरस की अब वो ख़त्म हो गया तो वायरस ही बदल देता है अपने आप को क्योंकि तभी उसके पास शक्ति आती है अगले आदमी को आ, इन्फेक्ट करने के लिए तो अगर हमने ये नहीं समझा तो नए वैक्सीन कैसे बनाएंगे हम तो सोचेंगे कि भैया वा, वायरस है वायरस है पर वो बदल गया अब मैं क्या करूं तो जब तक हम इवोल्यूशन थियोरी और उसकी म्यूटेशन को नहीं समझेंगे हम इस प्रकार के समस्याओं के साथ हम डील नहीं कर पाए अगर हम इस एवोल्यूशन की थ्योरी को देखें ना मतलब ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा है कि आ, सारी दुनिया के जितने भी कट्टरपंथी हैं वो इकट्ठा एक, एक हो जाते हैं सिर्फ हिंदुत्ववादियों की बात नहीं है इसमें हम इस्लामिक जिन्हें कहें या फिर क्रिश्चन ऑर्थोडॉक्स का है वो भी इनका विरोध करते रहे हैं इस पूरे विरोध के पीछे का मंतव्य क्या है उन लोगों का उनकी नज़र में ये दुनिया किस तरीके की है See, uh, सबसे ज़्यादा विरोध तो हुआ था क्रिश्चियनिटी के uh, तहत क्योंकि जो लोग मैं क्या कहूँ उनको कट्टरपंथी ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि जो uh, धार्मिक पुस्तक हैं उनमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको कुछ बहुत ज़्यादा ही लिटरल uh, तरीके से देखते अगर उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा रंग था तो वो एक्चुअली विश्वास करते हैं कि ऐसा रंग था मतलब बड़े लिटरल तरीके से हालांकि वो एक कहानी के रूप में कहा जाता है पर उसको बड़े लिटरली लेते हैं अब बाइबल में ये लिखा है कि भगवान ने अपने आ, इमेज को लेके इंसान को बनाया गॉड मेड मैन इन इज ओन इमेज तो हम भी जो तस्वीर बनाते हैं भगवान का हम ऐसे ही बनाते हैं जैसे तुम और मैं हूँ तो उसको एक आदमी की तरह बना के एक दाढ़ी की तरह देख के अब किसने भगवान को देखा है और कहा है कि यह आदमी जैसे बनता है भाई औरत क्यों नहीं है या शेर के जैसे क्यों नहीं है या क्या है किसी को नहीं पता दूसरी बात क्रिश्चियनिटी में बाइबल में ये क्या गया है कि भगवान ने पूरे दुनिया क्या पूरे विश्व को सात दिन में बनाया और एक साथ बनाया और एक साथ बनाया तो जब भगवान ने हर और हर जीव जंतु को भगवान ने ही बनाया तो शेर जो था वो शेर को बनाया गीदड़ था तो गिदड़ को बनाया आदमी था तो आदमी को बनाया तो इवोल्यूशन के लिए जगह कहाँ है तो इसीलिए जब डार्विन ने पहले अपनी बात कही तो क्रिश्चियन लोगों के बीच में उनके जो गुरु थे वगैरह उन्होंने कहा कि भाई ये डार्विन जो है गलत बात कह रहे हैं क्योंकि ये भगवान के कहे हुए बात के विपरीत जा रहा है किसी और धर्म में ये इतने स्पष्ट तरीके से ये कहा नहीं गया कि भगवान ने ये किया कि इस्लाम में थोड़ा बहुत मानते थे पर आज के दिन में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डार्विन के थियोरी के ख़िलाफ़ अमेरिका में आ, है एक खिलाफत एक मूवमेंट है वहाँ पे कि इसको स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए है कई स्टेट में वो कानून भी पास करने की कोशिश आ, की है क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियन जो विश्वास है और राइट विंग कट्टरपंथी दोनों साथ जाते हैं तो ये जब साथ जाते हैं तो ये उनका विश्वास होता है कि भाई हम इसको कहो और विज्ञान को अपोज करो क्योंकि अगर विज्ञान को अंदर घुसने दिया तो हमारी जो पूरी कट्टरपंथ का एक है कि विश्वास के तौर पे करो ना कि ज्ञान के तौर पे आप बढ़ो अब उसको देख के केवल तुर्की में एक कानून पास किया है कि स्कूलों में डार्विन की थियोरी पढ़ाई नहीं जाएगी अब हिंदुस्तान में ये क्यों कर रहे हैं ये समझने वाली बात है क्योंकि किसी भी हिंदू धर्म के पुस्तक में ना भगवत गीता में ना रामायण में ना ऋग्वेद में किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान ने ही जीव जंतु को बनाया है और ऐसे ही बनाया कोई ऐसी बात नहीं है पर यहाँ के हिंदुत्ववादी ताकत जो है उन्होंने इस चीज़ को एक निशाना बनाया क्यों उन्होंने इसको निशाना इसलिए बनाया कि वो ये दिखाना चाहते हैं और आपने ये हर चीज़ में देखा होगा कि भारत की संस्कृति में प्राचीन संस्कृति में जितने दुनिया का ज्ञान है विज्ञान में हो टेक्नोलॉजी में हो किसी चीज़ में हो उन सब की जानकारी भारत में पहले हो था हम नंबर वन देश थे ज्ञान हमारा सबसे ज़्यादा था और किसी और देश के आ, मुताले हमारा हमने पहले आविष्कार किया तो डार्विन ने अगर ये कहा होगा तो हमारे पास इसकी ज्ञान थी 200 साल 2000 साल पहले अगर आप कह रहे हो कि हमने हवाई जहाज़ बनाया 200 साल पहले हमने तो आठ हज़ार साल साल पहले बनाया थी उसको पुष्पक्रमान तो ये एक इनका एक विचार है एक सोच विचार है दिखाने के लिए तो मेरा तो मानना ही है अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे भारत की प्राचीन संस्कृति में ज्ञान बहुत था हम उसी को लेके अगर हम दुनिया को कहें कि देखिए भारत में इतना ज्ञान था तो वो बहुत है झूठ मूठ के मतलब चीज़ें बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें पर अब उन्होंने एक ले लिया कि हर चीज़ में हम दिखाएंगे कि हमारे पास इसका ज्ञान था उनमें से डार्विन की थियोरी एक है और कई इनके मंत्री और नेताओं ने डार्विन के थियोरी के बारे में ये कहा है कि आ, हमारे जो है सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं है? सतपाल मलिक की बात कह रहे हैं नहीं सतपाल मलिक ने तो कहा कि थियरी थे, ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाना नहीं चाहिए और उसके बाप नहीं जो है, नहीं उन्होंने कहा कि दशावतार की जो थियोरी है वो डार्विन के थियोरी से बेहतर है अब दशावतार की थियोरी ने कभी इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं किया वो इवोल्यूशन को दर्शाता नहीं है वो चेतना का कैसे विकास होता है उसको दर्शाता है कि पहले मत्स्य और फिर इत्यादि वराह अवतार इत्यादि ये दिखाता है कि ये चेतना जो है कैसे बड़ा है फाइनली कृष्ण के अवतार पे आता है ये इवोल्यूशन को नहीं दिखाता नहीं। ये चेतना को दिखा रहा है पर उसको उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दे दी कि भाई वो इवोल्यूशन की थियोरी है बिल्कुल गलत है इसमें और मेरे सबसे बड़ी आपत्ति ये है ये नहीं कि क्या वो सही हैं या गलत हैं इवोल्यूशन की थियोरी आपको वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाता है क्यों आप पूछ के शेर शेर कैसे बना सांप सांप कैसे बना इसका जवाब ढूंढने पे मजबूर करता है और ढूंढ के उसका जवाब तब मिलता है जब आप सवाल पूछेंगे और वैज्ञानिक तौर पे उसका जवाब ढूँढेंगे तो या तो आप विज्ञान से समझें चीज़ों को या आप विश्वास के तौर पे कि नहीं सांप ऐसे बना था क्योंकि फलाने गुरु ने कहा था तो विश्वास पे चलो ज्ञान पे नहीं तो ये मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है इसमें इस से बहुत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही आपसे पूछूँ मैं इस देश में ना डॉक्टर बनने की जो ना बहुत मैं ये कहूँ कि ललक है ना और मतलब माँ बाप सब कुछ करना चाहते हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर देखना चाहते हैं लेकिन अभी का हालिया का जो रिवीजन है उसमें ये कि उन्होंने रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही हटा दिया है जो पूरा अंश है तो ये कैसे होगा कि आप मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाना चाहते और ये नुकसान किस तरीके का होगा देखो ऐसा है कि बच्चे मूर्ख नहीं है ना उनके पेरेंट्स मूर्ख हैं ना अध्यापक मूर्ख हैं ये लोग अपने जो सोच विचार है उसको आगे करने के लिए और जैसे मैं अभी कह रहा था वैज्ञानिक सोच को पीछे हटाने के लिए ये सब करते हैं तो दसवीं तक तो बच्चा टेक्स्ट बुक लेके कर पढ़ेगा वही चीज़ पढ़ेगा जो उसको इम्तिहान में काम आता है तो अगर उसको पढ़ाया गया कि भाई डार्विन की थ्योरी गलत है वो इम्तिहान में तो ये नहीं लिखेगा कि डार्विन की थ्योरी बहुत अच्छा है वो तो यही लिखेगा कि डार्विन की थ्योरी गलत है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में लिखा है और ये उसको पढ़ाया गया पर जब वो ग्यारहवीं में जाएगा बारहवीं जाएगा या मेडिकल कॉलेज में जाएगा वहाँ पे उसको पता है कि मेरे को तो ये सीखना है तो वो काम के लिए वो सीखेगा अगर सरकारी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया उसको तो वो प्राइवेट में जाएगा वहाँ पर सीखेगा प्राइवेट वाले तो जो काम की चीज़ है वो पढ़ाएंगे पैसे ज़्यादा लेंगे तो होगा ये धीरे धीरे कि सरकारी स्कूल के बच्चे या सरकारी कॉलेज के बच्चे वो पीछे हटते रहेंगे क्योंकि ना उनको ज्ञान दिया जाएगा इम्तिहान में नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने को पर जो प्राइवेट में जाएंगे या विदेश में पढ़ेंगे उनको ये ज्ञान मिलेगा वो पैसे दे के वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनकी जो है तरक्की दुनिया में होगी ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है देखो सर एक जो चीज़ और है ना मतलब मैं ये कहूँ कि जब हम इस तरीके के पूरे एलिमेंट्स की बात करते हैं जो किसी भी तरीके की वैज्ञानिक वैज्ञानिक सोच के खिलाफत में है तो हम ये भी पाते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री जो हैं वो किसी दिन एक अस्पताल का उद्घाटन करने जाएंगे और वहाँ पे जो है कहेंगे कि हमारे यहाँ पे तो गणेशा की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी फिर उनके मंत्री ये कह देंगे कौरवों का एग्जाम्पल देते हुए कि ये तो स्टेम सेल का पूरा जो है नमूना है ये सारे जो बयान है क्या आपको लगता है कि ये जो है इस तरीके की जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देते हैं भाई देखिए ये मैं जैसे पहले से कह रहा था ये इनकी एक सोच समझ के एक आइडियोलॉजी के तौर पे एक विचारधारा के तौर पे ये पूरा बना हुआ है और ये विचारधारा इनको ये हर एक चीज़ में उनको एक दर्शाने का एक मौका देता है कि प्राचीन भारत में हमारे पास ये जानकारी पहले से थी अब कैसे थी थी क्या उसको समझाने के लिए या आपके सामने एक सबूत देने के लिए इनके पास कुछ नहीं भाई इंटरनेट था 6000 हजार साल पहले कह दिया अब आप पूछोगे कि भाई आपको कैसे पता कि छः हजार साल संजय ने कहानी थी? हाँ वो कहता है कि जी हमें तो पता है हाँ। आप मानो तो ये मान्यता पे चलने वाली बात है वैज्ञानिक तौर पे अगर हो तो आप खोज करेंगे कि क्या छः पहले कुछ एलिमेंट थे सिलिकॉन था जिसके आधार पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ काम होता था कुछ ना कुछ तो कहीं मिलना चाहिए हड़प्पा में खोदो तो आपको कुम्हार उद्योग के चीजें मिलती हैं क्या कभी वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक का कुछ मिला आ, तब तो सबूत मैं मानूंगा है ना इसके लिए कोई सबूत नहीं देते वो किस टाइम सेल था पलाना था कहते होगा ये आप मानो क्योंकि हम बता रहे तो ये तो उनका पुराना एक विश्वास है और वो जनता के ऊपर थोपना चाह रही है इसमें अफसोस की बात यह है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब लड़ाई लड़ रहे थे भारत में सौ साल से पहले की बात है उस टाइम पे जो आ, देश में बुद्धिजीवी वगैरह थे उन्होंने सबसे पहले ये बात कहना शुरू किया अंग्रेज़ों को कि तुम सोचते हो कि आपने हमारे ऊपर राज कर ली और हम गुलाम बन गए आपके ये उसका कोई सबूत नहीं है कि आपकी जो सभ्यता है वो हमसे बहुत बेहतर है कि देखिए हमारे पास ये वेद हैं उपनिषद हैं इतने ज्ञान हैं हमने लोहा बनाया ये सब उनको दिखाते थे दिखाने के लिए तो वो लड़ाई तो हम लड़ चुके और जीत चुके सौ साल डेढ़ सौ साल पहले अब इन्होंने इस बात को सडनली शायद ये इसलिए है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में थे नहीं कभी तो उस टाइम की जो लड़ाइयाँ थी उसमें ये थे नहीं, नहीं तो उनकी लड़ी नहीं तो आज वो लड़ रहे हैं जब तक जब ये आज के दिन में ये लड़ाई लड़ चुके हैं और हम जीत चुके शुक्रिया बात करने के लिए तो ये थे डी रघुनंदन बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ टेक के साथ